बता दें दिल्ली एनसीआर में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। तीव्रता 5.9 रिक्टर स्केल पर रिकॉर्ड की गई है। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके इस वक्त महसूस किए गए और झटके काफी देर तक महसूस किए गए और काफी तेज ये झटके थे जिसकी तीव्रता बताई जा रही है 5.9 का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिले इसमें शामिल है, साथ साथ बिहार समेत कई इलाके आसपास शामिल है और कई लोगों के घरों में जिस तरीके से झटके यहाँ पर महसूस किए गए, लोग अपने अपने घरों से बाहर भी निकला है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, भूकंप की तीव्रता 5.9 होने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है और लोग अचानक से भागते हुए दिखे, हड़कंप मचा और लोगों के घरों से निकलने की कई तस्वीरें भी सामने आई, वो भी हम आपको दिखाएंगे। दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए और तीव्रता 6.4 यहां पर अब बताई जा रही है जो कि रिक्टर स्केल पर तीव्रता यहां पर मापी गई है, 6.4 है, यानी देखिए तीव्रता कम नहीं है और इसी वजह से काफी देर तक और काफी तेज झटके यहां पर महसूस किए गए। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार समेत कई राज्यों में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि और जो जानकारियां हैं वो अभी निकलकर सामने आ रही है, इसका एपिसेंटर कहां पर था वो भी हम आपको बताएंगे जैसे ही जानकारी सामने आएगी, लेकिन फिलहाल जो तीव्रता थी 6.4 यहां पर मापी गई है रिक्टर स्केल पर। उत्तर प्रदेश के कई जिले इसमें शामिल थे, बिहार समेत कई इलाकों में लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। तो देखिए किस तरीके से हड़कंप अब मचा हुआ है और उत्तर भारत के कई सारे इलाके इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश तो है ही, साथ साथ बिहार समेत कई राज्यों में भूकंप के झटके इस वक्त महसूस किए गए। मानव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मानव, भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए, तीव्रता 6.4 बताई जा रही है। बिल्कुल, मैं चेक कर पा रहा हूँ नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, जहाँ से भूकंप का तीव्रता का पता चलता है, वहाँ से आंकड़ा आया 6.4 का आंकड़ा है और इसका एपिक सेंटर यानी भूकंप का जो केंद्र है वो नेपाल बताया जा रहा है। आपको याद होगा नेपाल पहले भी कई बार गंभीर भूकंप का शिकार हो चुका है, काफी तबाही वहां पर हो चुकी है और लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत समेत तमाम राज्यों में और साथ ही दक्षिणी एशिया के तमाम देशों में तेज भूकंप के झटके देखे जा रहे हैं पिछले कुछ महीनों से और बार बार। लेकिन आज जो भूकंप के झटके दिल्ली वालों ने महसूस किए हैं, उत्तर प्रदेश वालों ने महसूस किया है या उत्तरी राज्यों ने जो महसूस किया है, वो पिछले 2 से 3 महीनों में आए भूकंप की तुलना में कहीं ज्यादा थे। पहले जो भूकंप की तीव्रता 5 के करीब रहती थी रेक्टर स्केल पर, लेकिन आज जो भूकंप की तीव्रता है वो 6.4 दिखाई गई है नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी द्वारा, और जो अपने आप में काफी ज्यादा है। और जब इतनी तीव्रता का भूकंप आता है तो जो पुरानी इमारतें हो चुकी हैं उनमें दरार की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में दिल्ली क्योंकि पहले से रेड जोन डेंजर जोन के इलाके में आता है, दिल्ली में तमाम ऐसे इलाके हैं जो पुरानी रिहायश है, जर्जर हालात में, वहां पर कहीं ना कहीं नुकसान की गुंजाइश हो सकती है। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है। कोशिश यही रहेगी कि दुआ यही रहेगी कि ऐसी कोई घटना ना हो, लेकिन जैसी तीव्रता है भूकंप की 6.4 जी मानव, तीव्रता काफी ज्यादा थी जिसकी वजह से हड़कंप भी लगातार मचा हुआ है, लोग अपने घरों से उस वक्त भागने लगे और हम अपने दफ्तर की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं लोग कितने असमंजस में है और जो ऊपर की जो आप लाइट्स देखेंगे वो भी बहुत तेजी से अचानक से हिलने लगी थी और उस वक्त हमें भी अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल था कि आखिर हो क्या रहा है। और अक्सर ऐसा ही होता है, जब भी भूकंप आता है तो अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है, कुछ वक्त कुछ सेकंड्स लगते हैं समझने में कि आखिर हो क्या रहा है, ये भूकंप ही है या फिर कुछ और है। तो आप तस्वीरें भी देखिए, ये न्यूज 18 के न्यूज रूम की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से अचानक से लाइट्स वहां पर हिलने लगी और तब जाकर जितने भी इंप्लॉइज थे उनमें भी खलबली मचनी शुरू होती है। और ऐसा ही हाल कुछ अलग अलग जिलों में भी है, उत्तर प्रदेश के, बिहार के साथ साथ और उत्तर भारत के कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर इस तरीके के भूकंप के झटके महसूस किए गए, 6.4 इनकी तीव्रता थी। देखिए मानव, तीव्रता काफी ज्यादा यहां पर थी, नुकसान की गुंजाइश भी लगातार लग रही है, हालांकि जो अभी आधिकारिक आंकड़े हैं क्या वो सामने आए हैं? बिल्कुल, देखिए भारत सरकार का नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी है जहाँ से आंकड़े सामने आते हैं। पहले जो गूगल की मदद से हम देख रहे थे तो उस पर 5.9 की तीव्रता दिखा रहा था, लेकिन जो आधिकारिक आंकड़े हैं सरकार की तरफ से वो 6.4 के हैं और भूकंप का केंद्र नेपाल में है। जमीन के करीब मैं बताऊं कि करीब 7 किलोमीटर के आसपास जो इसका केंद्र है वो बताया गया है और नेपाल हमेशा से भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील रहा है, पहले भी जान माल का काफी नुकसान नेपाल ने सहा है। तो ऐसे में बस यही ईश्वर से दुआ होगी कि वहां पर नुकसान ना हो, क्योंकि नेपाल हो, उत्तर भारत का इलाका हो, उत्तराखंड हो, वहां पर काफी तबाही हम लोग पहले भूकंप देख चुके हैं और बीते कुछ महीनों से लगातार उत्तर भारत में हम भूकंप के झटके महसूस कर रहे हैं, लेकिन जैसे झटके हमने आज महसूस किए हैं इतनी तीव्रता अभी तक इस साल किसी भी भूकंप की नहीं रही है, ये मैं अभी देख पा रहा हूँ। हालांकि और आधिकारिक आंकड़े देखकर हम इसकी पुष्टि कर पाएंगे, लेकिन 6.4
रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता होना अपने आप में बहुत खतरनाक है। और मैं बार बार कह रहा हूँ कि दिल्ली पहले से डेंजर जोन में आता है, दिल्ली के कई इलाके अरावली का जो इलाका है वो पहले से ही रेड जोन में आता है भूकंप के लिहाज से, तो वहाँ पर जो पुरानी इमारतें हैं वहाँ पर उनमें दरार आने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं नेपाल की तरफ भी हमें रुख करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कैसे हालात हैं ये भी हम उसकी भी वहाँ से खबर जुटाने की कोशिश पूरी कर रहे हैं, क्योंकि 6.4 नेपाल में भूकंप का केंद्र होना ये अपने आप में बड़ी बात है। जी आप इस पर जानकारी जुटाते रहिए, लेकिन तस्वीरें भी लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से अचानक से खलबली मचनी शुरू हुई, क्योंकि अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है जब भी भूकंप आता है। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से जो एनर्जी पैदा होती है उसकी वजह से कंपन महसूस होती है। देखिए तरल पदार्थ की तरह टेक्टोनिक प्लेट्स धरती के अंदर इधर उधर चलती रहती हैं, लेकिन जब ये खुद को एडजस्ट करने के मूवमेंट में होती हैं तो अचानक से टकराती हैं और उससे काफी ऊर्जा निकलती है और ऊर्जा के बाद भूकंप महसूस होता है। तस्वीरें फिलहाल आप देखिए, लोगों के घरों के पंखे किस तरीके से हिलते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं, सीलिंग फैन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। झटके काफी तेज थे, तीव्रता 6.4 यहाँ पर मापी गई है। यूपी बिहार समेत कई राज्यों में इसी तरीके की तस्वीरें लगातार वहां से सामने आ रही है। लोग डरे सहमे हैं और ऐसे में अपनी अपनी घरों को छोड़कर, इमारतों को छोड़कर, जो लोग दफ्तर में इस वक्त मौजूद हैं हमारी तरह, वो दफ्तरों को छोड़कर बाहर निकल आए हैं। तस्वीरें हम बार बार आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि जो जिस तरीके से 6.4 की इसकी तीव्रता रही है तो इससे मापा जा सकता है कि आखिर किस तरीके की खलबली भी यहाँ पर लोगों के जहन में रही होगी। 2013 में भूकंप आया था नेपाल में, इसका जो एपिसेंटर है इस भूकंप का वो भी नेपाल ही बताया जा रहा है। नेपाल में भूकंप का मेन केंद्र है और कई इलाकों में लोग घरों से बाहर निकलते हुए भी दिखे, हालांकि नेपाल से अभी जानकारियां आना बाकी है। वहां से जो जानकारियां सामने आएंगी वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे कि क्या वहां पर कोई नुकसान पहुंचा है या फिर नहीं, क्योंकि इससे पहले जो भूकंप वहां पर आया था उसकी तीव्रता काफी ज्यादा थी और कई लोगों के घर वहां पर नष्ट हो गए थे, तबाह हो गए थे। वो खबरें भी हमने सबने देखी, अपने आंखों से वो महसूस की, लेकिन आज की तस्वीरें भी बेहद डराने वाली है। नोएडा समेत दिल्ली NCR के कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 6.4 की तीव्रता का ये भूकंप आज सामने आया। सीलिंग फैन की तस्वीर आपको बताने के लिए काफी है कि आखिर झटके कितने ज्यादा तेज थे, कितनी ज्यादा कंपन इससे पैदा हो रही थी और काफी देर तक ही झटके महसूस होते रहे। ये भी नहीं कि कुछ सेकंड्स बल्कि काफी देर तक ये झटके यहाँ पर महसूस होते रहे, जिसकी वजह से जो लोगों में डर है वो और ज्यादा बढ़ने लगा कि क्या, क्योंकि इससे नुकसान भी काफी हो सकता है। जैसा कि इससे पहले मानव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो बता रहे थे कि जो कमजोर इमारतें होती हैं, जो पुरानी इमारतें होती हैं, 6.4 की तीव्रता का जो भूकंप है वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो लोगों के जहन में कहीं ना कहीं डर भी जरूर था। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, सीलिंग फैन की तस्वीर आप देखिए लोगों के घरों से जो सामने आने लगी है। कई लोग सोशल मीडिया पर भी इस वक्त एक्टिव हो गए होंगे, वो भी तस्वीरें जरूर भेजेंगे तो हम आपको जरूर दिखाएंगे। हमने अपने दफ्तर के भीतर का हाल भी आपको दिखाया न्यूज 18 के न्यूज रूम का, कि वहां पर भी किस तरीके से जो एम्प्लॉयज काम कर रहे थे वो अचानक से डर जाते हैं क्योंकि जो लाइट्स हैं वो अचानक से हिलने लगती हैं। तो नेपाल में इस भूकंप का केंद्र फिलहाल यहाँ पर बताया जा रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, ये किस तरीके से स्टूडियो का हमारा इलाका है और अचानक से जो लाइट्स हैं वो किस तरीके से बहुत तेज, काफी ज्यादा कंपन इनमें है।